जी, मैं राधे कृष्ण अंतवाल उत्तराखंड देहरादून से और मूल निवासी पौड़ी में सिद्धपीठ है ज्वालपा देवी का, माता रानी का, उसके हम पुजारी हैं। और ये हमारी बेटी है श्यामा श्याम प्रिया स्वस्ति अंतवाल, जो कि परम पूज्य गुरुदेव श्याम सुंदर पाराशर जी से दीक्षित हैं और 14 साल की उम्र से श्रीमद् भागवत कथा कर रही है। और यहाँ पर सौभाग्य मिला है सालावाला में शिव महापुराण करने का हमें। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा समाज में जो है इस ज्ञान को प्रसार प्रसार करें, ताकि लोग अपने अहम को मिटाकर, अपने द्वेष भाव को मिटाकर और समानता से समान रूप से जिए और आनंद से रहें। क्योंकि वास्तव में जीवन जीने का सही तरीका तो हमारे पुराणों में छुपा है, इसलिए हम 11 दिन तक निरंतर शिव पुराणी कथा सुनेंगे और आनंद करेंगे। हर हर महादेव। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आपने इतने छोटे से उम्र में इतना बड़ा व्यास संभाल लिया और आप इतना अच्छा कथा वचन और ये करती हैं, आप भी कुछ अपना पर कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहूँगी कि कथा रुचि नहीं है, ये जीवन की आवश्यकता है। उम्र के अनुसार हमें कथा में प्रवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि जब आपको समय मिले, जब आपका सामर्थ्य हो, कथा में गोता अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि ये जीवन की आवश्यकता है। यदि जीवन को सफल बनाना है तो कथा के अलावा और ऐसा कोई साधन नहीं है, भगवान के नाम के अलावा ऐसा कोई साधन नहीं है जो आपके जीवन को सफल बनाए। जीवन तो पशुओं का भी होता है, जीवन पक्षियों का भी होता है, पर मानव धन्य इसलिए है क्योंकि उसके पास विवेक है, समझ है कि वो अपने जीवन में कल्याण भी कर सकता है, कुछ ऐसा कर सकता है कि उसका नाम हो इस लोक में भी और परलोक में भी। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा में आगे रहता है, या जो लोग अच्छा भी होता है वो व्यक्ति की दृष्टि में होता है, लेकिन जो सत्संग सुनता है, भगवान का नाम लेता है, वो भगवान की दृष्टि में होता है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। Hare 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 Hare
Yeah.
ओम निर्वलाय नमः हवाय अन्नस्थाभ्याम
पूजयामि नमः ओम गुधाय नमः आवायामि स्थापयामि पूजयामि नमः ओम उर्मियादि स्थल मात्रगा देवेभ्यो नमः आवायामि स्थापयामि पूजयामि तु यमुना देवी कुरमया सदा सदा प्राची सरस्वती पुण्या पायुष्णी गौतमी तथा उर्मिला चंद्रभागा च सरयू गंडकी तथा वितस्ता च विशाला च नर्मदा च पुनः पुनः कावेरी कौशिकी चैव गोदावरी महानदी मंदाकिनी वसिष्ठश्च तुंगभद्रा ससिंधवः अमरीशा प्रवासं च महिषी पुष्करं तदा कुरुक्षेत्रं प्रयागं च गंगा सागर संगमं एतान्नद्यस्थितानि यत्रार्यभागवती प्रसन्नः भगवान की कथा रूपी प्रसंग जिस स्थान पर आ जाता है वहां पर गंगा यमुना त्रिवेणी सरस्वती गोदावरी सभी देवता सभी शांति शांति सुशांत वैदिक कर्म से विमुख हो गया था, बड़ा दुराचारी था, एक पाप ऐसा ना हो जो उसने ना किया हो। एक बार तालाब में स्नान करने गया तो एक शोभावती नाम की वेश्या को देख लिया, तो सोचा इसी के साथ चले जाऊं, तो पत्नी माता पिता का त्याग कर दिया, पुत्र वगैरह सबका घर का त्याग करके शोभावती के साथ ही चले गया। माता पिता ने बड़ा समझाया पर नहीं समझा। एक बार प्रतिष्ठानपुर गया देवलोक से, वहां पे एक शिवालय था और उस शिवालय में दिव्य शिव महापुराण की कथा चल रही थी। अब उसको प्रसाद का लालच था, जब महापुराण हो रही है इसके बाद प्रसाद भी पवाई जाएगी, पूरी कथा के समय बैठा रहा। कभी कभी होता है व्यक्ति का मन होना हो, कभी कथा सुनी होना हो, कोई पूछ ले कहाँ जा रहे हो कथा में, चलो हम भी चल देते हैं। तो वो भी भटकते हुए शिव महापुराण की कथा के पंडाल में आकर पहुंच गए। व्यास जी कथा सुना रहे थे तो उसने भी कथा सुन ली, अंत में प्रसाद जी ग्रहण किया। उस समय रात ही उसको ज्वर आ गया, बुखार आ गया और बुखार से पीड़ित होकर कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। मानो ये मृत्यु भगवान की कृपा ही थी। कथा सुनने के पश्चात उसने कोई दुष्कर्म नहीं करा तो सभी पाप नष्ट हो गए। यमदूत आए उसको पकड़ने, ये तो बड़ा दुराचारी था, और उसको लेकर यमपुरी ले गए। तभी शिवगण भी आ गए, जटाजूटधारी त्रिपुर लगाया हुआ था, हाथ में त्रिशूल था, एकदम शिव स्वरूप में ही आए। यमदूतों ने बोला तुम शिवगण यहाँ क्या कर रहे, अरे ये बड़ा दुराचारी है, खल है, इसको तो यमपुरी ही ले जाना है। शिवदूतों ने बोला देखो ये चाहे इसने कितना भी पाप किया हो इसने पुण्य कर लिया, इसने कथा श्रवण करी और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके इसकी मृत्यु भी हो गई। तो अब ये यमपुरी का अधिकारी नहीं है, अब तो ये शिवलोक का अधिकारी है। उन्होंने यमदूतों की पिटाई करके उनको भगा दिया और देवराज को भगवान शिव जी के पास ले गए। भगवान भोलेनाथ ने बड़ा प्रेम और आदर दिया और उसको अपना गढ़ बना लिया। मुख्य बात ये सोचिए
प्रसन्न मत हो जाना कि वो तो बड़ा पापिता कथा सुनने से भगवान का धाम नहीं है। उसे भगवान का धाम इसलिए मिला क्योंकि उसने कथा तो सुनी पर उसके बाद फिर पाप नहीं बना। कथा श्रवण के बाद ही उसकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई, पाप नहीं कर पाया। बड़ा फिर ऐसे व्यक्ति सोचे कि मैं पाप भी करता रहूं, कथा सुनूंगा फिर बच जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। सावधानी रखनी पड़ती है। महापुराण की एक मूर्ति सुन, उसको साक्षात देवी का स्वरूप सोच के सामने देवी बैठी है, कभी बात करने की कोशिश कर करो, बात करो, एहसास दिलाओ। और जब तुम बात करते करते उनसे लड़ते लड़ते स्वयं को अकेला महसूस करोगे, भूल जाओगे कि सामने आसपास मंदिर में खड़ी हूँ, कोई है कोई नहीं है, यानी कि मान सम्मान को अलग रखकर आपने भगवान के पीछे पड़े, तो जरूर बनेगा आज ही मेरी भक्ति करने आई है। और दूसरी बात, ये शिवपुराण कथा ही परिवार की कथा है। परिवार में कैसे रहना चाहिए हमें, कैसे हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, और ऐसे ऐसे भी इसमें उल्लेख है कि हमें क्या चढ़ाना चाहिए, कब क्या चढ़ाना चाहिए, कितने प्रकार के पुष्प हैं, उससे क्या फल मिलेगा। ऐसा भी है कि अगर अपने शत्रु का नाश करना है तो क्या चढ़ाना चाहिए, कुछ लोग तो ज़्यादा उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप वास्तव में परमात्मा की कृपा पाना चाहते हो तो मैं अपना अनुभव बताऊंगा यहाँ पर बैठकर कि थोड़ा सा अपने अंदर का जो अभिमान को त्याग दो और लोग दिखावे से थोड़ा दूर हो जाओ। दिखावे से दूर होकर एक दिन भगवान शिवालय में भगवान की सेवा करने आओ, न जल चढ़ाओ, न पत्र पुष्प चढ़ाओ, न आपकी मिठाई, सिर्फ सफाई, भगवान की सेवा। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। आपने मंदिर में आया, आपने मंदिर में घी लगाया और ऊपर से दही लगा, दही भगवान को चढ़ाई, तो आप अपने हाथ भी अच्छे से साफ करके और चढ़ा के चले जाते होंगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि आपका चढ़ाया वो घी, वो तेल, वो शहद, उसको कौन साफ करेगा। दुनिया भर की चींटी उसमें लग जाती है, आक्रमण करती है, और ऐसे समय में ज़्यादा सोचो। और जिस दिन ये सोच आपके अंदर ये गहराई से उतर जाएगी, तब आप बड़ी सावधानी से क्या करो, थोड़ा करोगे लेकिन इतना स्वच्छ साफ सफाई से करोगे, तब कृपा आएगी। ये भेड़ चाल में इतने लोग क्यों चल रहे हैं इस तरह से, समझ में आते क्यों नहीं है। इतने सिद्धपीठ में हम जाके देखते हैं, खुद व्यवस्था संभालते हैं सिद्धपीठ की, लेकिन जब हमें लगता है दूर एक माता, अरे भाई आहा क्या सेवा करें, बेचारे के पल्ले कुछ भी हाथ नहीं आया, प्रसाद भी नहीं आया, लेकिन देखो सेवा, देखो वहाँ आशीर्वाद स्वयं ही निकलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बार बार मेरा प्रयास तो ये है, थोड़ा सा वास्तविकता में आ जाओ। आपके ये फल मिठाई चढ़ाने से भगवान खुश होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा भी तब होंगे जब आपके अंदर सेवा भाव होगा कि कथा चल रही है, ये कुछ आयोजक ही लगे हुए हैं रात दिन, हम भी कर लें व्यवस्था, हम भी पूछ लें कि व्यास जी को क्या चाहिए, कहाँ से आते हैं, थोड़ा बहुत हमारी तरफ से भी हो जाए। लेकिन मैं पहले दिन ये कहूँगा, उनको निमंत्रण दूंगा जो घर में बैठे सोच रहे हैं हमें तो बुलाया नहीं है, तो कल वो लोग आए और इस कथा का लाभ उठाए। बोले शंकर भगवान की। देवी तुम सत्य कहती,
मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे मार्ग के बीच में नहीं आऊंगा, तुम मेरे मार्ग के बीच में मत आना। एक दूसरे के कार्य में डोरा नहीं बनेंगे, पर एक कार्य करो, जो भी तुम करती हो उसके बदले में धन भी देना शुरू कर दो। चुंचुदा भी प्रसन्न होंगे। चलो जैसे सभी, तो अपना हित जानकर चुंचुदा अनेक अधर्म करके धन अर्जित करती और अपने पति को दे देती। पति भी उस धन को दुष्ट कार्यों में ही लगाता। वृद्ध होने लगे तो समय पाकर चुंचुदा के पति बिंदु की मृत्यु हो गई। चुंचुदा अपने घर में अपने बच्चों के साथ ही निवास करने लगी। वृद्ध हो गई, गोबर ढल गया। एक दिन देव योग से पुण्य पाकर वो गोकर्ण क्षेत्र में गई। न जाने कौन से पुण्यों का उदय हो गया, किसी तीर्थ में जाके उसने स्नान किया। तीर्थ में पहुंच कर यत्र-तत्र घूमने लगी। चलो थोड़ा देख लेते हो क्या है आसपास। एक देव मंदिर में प्रवेश किया तो ब्राह्मण वहां पे शिव जी की परम कथा सुना रहा था। वो कह रहा था कि जो स्त्री दुष्ट कार्य करती है उसे यमलोक जाना पड़ता है, कई प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। और जब ऐसा सुना तो बड़ी भयभीत हुई, कांपने लगी। अरे मैंने तो बड़े दुष्कर्म करे। इतना डर गई कि जब कथा संपन्न हुई तो ब्राह्मण के पास जाकर अपनी गलतियों का स्वीकार कर लिया। गलतियां कह दी, अरे मैं बिल्कुल भी धर्म परायण नहीं थी, मैंने न जाने कितने दुष्कर्म करे। और आपने कथा में कहा कि हम दूध आएंगे उनको लेकर यमपुरी ले जाएंगे। अरे मैं यमपुर पर कैसे देखूंगी, जब यमपुरी में मुझे कष्ट दिया जाएगा तो उस कष्ट को मैं कैसे सहूंगी। इतनी यातना पूर्वक यात्रा में अकेले कैसे करूंगी, मेरा साथ कौन देगा, मुझे तो बड़ा भय लग रहा है। हाय मैं मारी गई, ऐसे प्रकार के उत्तर करने लगी। तो ब्राह्मण देव ने बोला, देवी आप चिंता मत करो, धन्य है वो ब्राह्मण देव जिसने उन देवी को फटकारा नहीं। एक गलती किसी व्यक्ति की हमको मिल जाए तो हम उसकी निंदा करने में पीछे नहीं हटते, पर एक बार व्यक्ति स्वीकार ले कि हमारे अंदर कमी है तो सुधरा जा सकते हैं। पर व्यक्ति अगर स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि नहीं हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, तो वो सुधरेगा कैसे। संत लोग का हृदय बड़ा निर्मल होता है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई बच्चे कहते तो स्वीकार कर लेते। एक बड़े ही अच्छे संत थे, पूज्य परम स्वर्गवासी भक्तिमान जी, बड़ी उच्च कोटि के संत। एक बार उनको भक्तमाली जी को खास चौकवाड़े महाराज जी ने याद किया। उनके शिष्य को कहा कि तुम्हारे गुरुदेव को से मिलने की इच्छा है, उनके दर्शन की इच्छा है, जब समय हो तो उनको ले आना। तो शिष्य ने जब बताया भक्तमाली जी को कि आपको खाक चौक वाले बाबा याद कर रहे हैं, तो एकदम अपना काम करते रहते थे, हर समय कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। सब कुछ छोड़ के वो अपने शिष्य के साथ बाबा जी के दर्शन करने चले गए। शिष्य ने कहा अभी नहीं बुलाया जब आपके पास समय हो। मैं बोला नहीं, कोई साधु पुरुष याद करे तो उसी समय मिलने जाना चाहिए, सारे काम छोड़ कर। भक्तमाली जी पहुंचे तो साथ चौक वाले महाराज जी डांटने लगे, फटकारने लगे, आओ पूजा स्वागत तो कुछ नहीं, डांट दिया। तुम यहाँ पे नहीं थे कुछ दिन पहले, बाहर के जाते वृंदावन से, बाहर के जाते बार बार बोलते थे वृंदावन से बाहर के जाते हो, ओहो अपनी हालत देख रहे हो, कमर झुक गई। अब उनके भक्तमाली जी की कमर काफी हो गई थी, फिर भी कह रहे हैं कमर झुक गई, अपनी उम्र ही क्या है तुम्हारी।
तुमने बोला आप सही कहते हैं, मुझे बाहर जाना पड़ता है, इसलिए कुछ समय के लिए बाहर गया था। क्यों जाते थे, क्यों जाते थे? तो भक्तमाली जी ने कहा, पहले तो मैं निवेदन करता हूँ कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं नहीं आ पाऊंगा, पर जब कोई ज्यादा अनुग्रह करते हैं तो चले जाता हूँ। खाक चौक वाले महाराज जी फिर कहते हैं, क्यों जाते हो, क्यों जाते हो? तो भक्तमाली जी कहते हैं, मेरे अंतर ज्ञान वैराग्य बिल्कुल शून्य है। बाहर जाता हूँ तो कुछ धन और कुछ वस्त्र मिलता है तो उसी के लोभ वश वृंदावन को पीठ दिखाकर चले जाता हूँ। अब उनके अंदर न काम है, न क्रोध है, न किसी का लोभ है, पर खुद कह रहे हैं कि मेरे हृदय में काम क्रोध लोभ है। और हमने तो सुना है उनके शिष्यों से कि काम क्रोध लोभ हृदय में होगा तो दूर, जो व्यक्ति भक्तमाली जी के चरणों में एक बार बैठ जाता था उसको कोई विकार नहीं सताता था। तो संत स्वयं कहते थे कि हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, तो गलतियों को स्वीकारना, विकारों को स्वीकार करना आना चाहिए। जब उनके शिष्य ने उनको एकांत में पूछा कि खाक चौक वाले महाराज जी को आपको याद कर रहे थे, उन्होंने ही आपसे मिलने के लिए कहा, अब आप अगर तो कुछ नहीं किया, केवल आपको डांटा, फटकार के भेज दिया, बड़ा बुरा लगा। तो भक्तमाली जी ने बड़े प्रेम से कहा, नहीं नहीं, काम क्रोध लोभ मोह प्रत्येक मनुष्य के हृदय में होते हैं। कोई व्यक्ति विकार रहित हो ही नहीं सकता, पर भक्ति जब हृदय में प्रवेश कर जाती है तो उसको विकार नहीं सताते, वो इतने शून्य हो जाते हैं कि उनको उस विकारों का अनुभव नहीं होता। पर यदि कोई ये स्वीकार कर ले कि मेरे अंदर लोभ नहीं है तो विकार उत्पन्न हो जाएगा, अहंता आ जाएगी, अहंकार आ जाएगा, और अहंकार से तो सारे विकार छूट ही आ जाते हैं। नारद जी ने कहा, मैंने काम को जीत लिया, तो काम को तो हमने जीत ही लिया, परंतु ये कहना कि मैंने काम को जीत लिया उसी समय सारे विकार आ गए, ये शिव महापुराण की कथा ही है, आगे आप श्रवण करेंगे। तो कहने का मतलब है, चुंचला ने दुष्कर्म तो करे पर स्वीकार भी कर दिया कि मैं पापी हूँ, आप मुझे रास्ता दिखाइए, आप मेरे गुरु हैं, आप बताइए मुझे क्या करना है। तो ब्राह्मण ने बोला, देवी हे पुत्री, तुम रुदन मत करो, तुम शिव जी की परम पावन कथा का श्रवण करो और इसी के साथ नित्य प्रतिदिन उनकी पूजा उपासना करना, मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश दूंगा, उनकी कथा सुनाऊंगा, उससे तुम्हारे हृदय में वैराग्य उत्पन्न होगा, ज्ञान उत्पन्न होगा और वो कथा निश्चित ही तुम्हारा कल्याण कर दोगी। और दूसरी बात, तुम्हारे हृदय में पश्चाताप है, पश्चाताप से बड़ा प्रायश्चित और कोई नहीं, तो तुम्हारा कल्याण तो पक्का ही होगा, तुम भरोसा रखो, शिव आराधना में लीन हो जाओ। ऐसा कहने पर चुंचला ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब गुरु मिलते हैं ना तो समर्पण कर देना चाहिए, यहाँ पर ब्राह्मण गुरु के रूप में है। अच्छा, गुरु अच्छा हर कोई चाहता है, पर शिष्य अच्छा बनना कोई नहीं चाहता। गुरु चार नियम बता दे तो शिष्य को बड़ी कठिनाई कैसे उनको पूरा कर ले। एक गुरु थे, उनके चेला, ये असली कठिनाई हम नाम लेकर नहीं बोल रहे, पर उनके घर में जैसे संत के भंडारा होता है, पर आदि जो कहते हैं भोजन पवाते हैं संत लोग, उनके यहाँ भी हो रहा था। तो उन गुरु जी ने अपने एक शिष्य को जिम्मेदारी दी थी कि जितने भी लोग आए भोजन की व्यवस्था तुम कराते जाना, तो जो भोजन की व्यवस्था कर रहा है उसको तो अंत में भोजन करना पड़ेगा। सभी को भोजन पवा दिया और अंत में सोचा कि अब तो कौन ही आएगा, खुद ही भोजन कर लिया, परंतु उनके
भोजन के पश्चात एक व्यक्ति आ गए। अब क्या खिलाए कुछ नहीं बचा, खुद भी पा गए। गुरु जी को पता चला कि एक व्यक्ति भूखा गया, बड़े क्रोधित हुए, बहुत फटकारा। अरे तुम खुद भोजन क्यों किया, 5 मिनट भी अगर इंतजार करते, अपनी तृष्णा को थोड़ा रोकते तो आज एक व्यक्ति को भूखा नहीं जाना पड़ता। अरे तुम्हें ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो चर्मकार होना चाहिए, गुस्से में फटकार दिया। और वो शिष्य बड़े ही दृढ़ थे, उन्होंने कहा कि गुरु जी ने आज मुझे चर्मकार बोला है, अगर मैंने उनकी वाणी को सत्य नहीं कहा तो वो झूठा हो जाएगा, इतना निर्मल उनका मन था। तो एक दिन व्यक्ति जा रहे थे, उन्होंने देखा ये जो चर्मकार है ये तो द्विज लग रहा है, इसमें तो तेज दिख रहा है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई साधु पुरुष है। पहचान नहीं पा रहे थे तो वहीं रुके रहे। वो चर्मकार का कार्य करके वो ब्राह्मण जी उठे, गंगा स्नान किया, अपना पूरा त्रिकुट आदि जो भी स्नान करके निमित्त होकर जब वो अपने मठ गए, क्योंकि गुरु जी को पधार गए थे, उनके बाद उत्तराधिकारी वही बने थे। और वहाँ जब गए तो उनके जय जयकार हो रहे हैं, उन्होंने देखा कि वहाँ पे वो चर्मकार का कार्य कर रहे हैं और यहाँ इनका अलग ही स्वरूप है। तो ऐसे निश्चित निष्करने वाले शिष्य भी है जो अपने गुरु जी की वाणी को असत्य नहीं होने देते। वो शिव महापुराण की और ये वास्तविक घटना है। तो चुंचला ने आत्मसमर्पण करा, ब्राह्मण देव की बात मानी, निज प्रतिदिन भगवान शिव जी का ध्यान किया, उनका पूजन किया, कथा श्रवण करी और अंत में मुक्ति को प्राप्त हो गई। मृत्यु के पश्चात उसको शिवधाम ही मिला, शिवलोक ही मिला। पार्वती जी की अत्यंत प्रिय सखी बनी, सेवा में हमेशा पार्वती जी की लगी रहती। एक बार पार्वती जी के सामने उन्होंने अपने एक निवेदन प्रस्तुत कर दिया। चुंचला ने बोला, देवी अरे मुझे शिवलोक की प्राप्ति तो हो गई, अरे मैं बहुत पापी थी, पर मुझे दुख इस बात के है, न जाने मेरे पति का क्या हुआ होगा, उनकी तो मृत्यु कई समय पहले ही हो गई थी, उनका तो क्या ही उद्धार हुआ होगा, उनकी आज कौन सी गति है। तब माता पार्वती बताती है कि तुम्हारा पति विंध्य पर्वत पर प्रसाद जोनी भोग रहा है, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी सेविका हो और मेरी प्रिय सेविका हो, इसलिए तुम्हारे पति का कल्याण करने के लिए मैं अपने किसी गण को भेजूंगी, किसी नियम व्यक्ति को भेजूंगी। पार्वती मैया ने कुंडल गंधर्व को नियुक्त किया, कहा तुम चुंचला के साथ जाओ और उसके पति को शिव महापुराण की कथा श्रवण कराओ, तुमसे अच्छा ही कार्य और कोई नहीं कर सकता। तुम गंधर्व गए चुंचला के साथ विंध्य पर्वत में जाके, वहाँ पर उन्होंने देखा कि बिंदु प्रसाद जोनी भोग रहा है बड़े कष्ट में। तुम्हारा गंधर्व ने उनको एक पाश में बांध दिया और शिव महापुराण का पारायण कर बिंदु नामक उस पतित ब्राह्मण को आज मुक्त कर दिया। वो ब्राह्मण कथा श्रवण करने के बाद दिव्य रूप में प्रकट हो गया, चुंचला का हाथ प्रकट कर वो विमान में बैठकर सुधाम चले गए। वो शिव महापुराण की Thank you.
आरती को आप बड़े प्रेम से भी सबको दिखाएंगे और अभिषेचन करेंगे और कुछ पुष्पांजलि करेंगे। हरि कंपनीमाना सचल पूर्वे साध्या सन्ति देवा नाना सुगंध पुष्पाणी यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता।